emphasis on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech. सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी हमेशा से ये कहते रहे हैं कि देश के अंदर जो दंगे फसाद होते हैं, जो हिंसा होती है, इसमें दोषियों को सजा क्यों नहीं हो पाती। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इन दंगों में कांग्रेस बीजेपी जैसे पार्टियों के लोग सीधे तौर पर शामिल होते हैं और इन्हीं की सरकारें होती है, इसलिए कुछ कार्रवाई नहीं हो पाती। ये बात हम लोग लगातार कहते रहे। आप 1984 का इतिहास उठाकर देख लीजिए, 2002 का इतिहास उठाकर देख लीजिए, या देश भर में जितने भी दंगे फसाद अब तक हुए हैं उसका इतिहास उठाकर आप देखिएगा, किसी भी मामले में दंगे कराने वाले नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और 1984 के मसले पर कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लताड़ लगाई है कि 290 केसेस में से 193 केसेस लगभग बंद कर दिया एसआईटी ने, इसका मतलब नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार 84 के कत्लेआम करने वाले दोषियों को बचाना चाहती है, उनके साथ मिली हुई है, उनको बचाने के लिए काम कर रही है एसआईटी। 30 साल से ज्यादा समय हो गया, आज तक कोई कार्रवाई 84 के कत्लेआम पर किसी भी बड़े नेता के खिलाफ, किसी भी दोषी के खिलाफ नहीं हुई। इसकी वजह क्या है, थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। 2013 के अंदर जब आम आदमी पार्टी की 49 दिन की सरकार थी तो पहली बार अरविंद केजरीवाल जी ने पहल की, एसआईटी बनाई। उस एसआईटी पर कांग्रेस की सरकार मई तक बैठी रही, कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस के नेता ही 84 के आरोपी हैं। उसके बाद नई सरकार आती है नरेंद्र मोदी जी की, वो सरकार नवंबर तक बैठी रही, कोई कार्रवाई नहीं करती। फिर जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में हार जाती है, अरविंद केजरीवाल जी 14 फरवरी को शपथ लेने जाते हैं, उसके ठीक एक दिन पहले 13 फरवरी को केंद्र सरकार अपनी एसआईटी बना देती है। ये अपनी एसआईटी क्यों बनाई गई, अरविंद केजरीवाल जी ने जो पहल की थी एसआईटी बनाने की, उसके माध्यम से निष्पक्ष जांच क्यों नहीं होने दी गई। इसका मतलब बीजेपी और कांग्रेस मिलकर दंगे कराते हैं और दोनों पार्टियों के नेताओं को बचाने का काम समय समय पर करते हैं। नानावती आयोग बनता है 2002 के लिए, दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं। नानावती आयोग बनता है 84 के लिए, दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं। और कल सुप्रीम कोर्ट ने इस मोदी सरकार के धोम का, इनके पाखंड का, एसआईटी के नौटंकी का खुलासा कर दिया है। ये एसआईटी अब तक किसी को सजा नहीं दिला पाई, ये एसआईटी अब तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाई और 193 केसेस को बंद कर दिया। कल सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि आप कौन होते हैं केसेस को बंद करने वाले, आप कौन होते हैं इस तरह की कार्रवाई करने वाले। तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही एक इस सरकार का काला चेहरा देश के सामने आया है। 84 के अंदर सिखों का जो कत्लेआम दिल्ली और पूरे देश के अंदर किया गया, आज तक उनके पीड़ित परिवार न्याय की प्रतीक्षा में है, न्याय के इंतजार में है, उनको अब तक न्याय नहीं मिल पाया है और उनके जले पर, उनके दर्द पर नमक छिड़कने का काम कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर कर रहे हैं। 3.5 साल से ज्यादा समय इस सरकार को हो गया,
लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई एसआईटी के माध्यम से नहीं की गई। तो मैं समझता हूं कि यह बात फिर से एक बार साबित होती है कि 84 के कत्लेआम में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी हाथ खून से रंगा हुआ है और इसी के कारण ये एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं। मैं निवेदन